नमस्कार, मैं किरण टाक राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से टेक्सटाइल डिज़ाइन विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। आज के ई लेक्चर की श्रृंखला के तहत फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स, जिसका सब्जेक्ट कोड 123 है, उसके फर्स्ट यूनिट के 1.5 में वूल फाइबर का अध्ययन करेंगे। वूल एक नेचुरल एनिमल फाइबर है जो हमें भेड़ों से प्राप्त होता है। इसमें केराटिन नामक प्रोटीन होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होती है तथा कुछ मात्रा में सल्फर भी होता है। इस फाइबर की संरचना में क्रिम्प्स तथा कर्ल्स के कारण यह स्पॉन्जी तथा गर्म रहता है। फाइबर की बाहरी सतह पर कई सारे स्केल्स पाए जाते हैं जो कि मछली के स्केल्स की भांति एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड रहते हैं। इस फाइबर के छोटे छोटे तंतुओं को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा फेल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। वूल की किस्म ब्रीडिंग कंडीशन, वेदर, फूड, जनरल केयर आदि पर निर्भर करती है। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन बाय शीप। भेड़ों से प्राप्त वूल की निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट, मरीनो वूल। यह वूल स्पेन में मरीनो जाति की भेड़ों से प्राप्त होने वाली बेस्ट क्वालिटी की वूल है। यह स्ट्रॉन्ग, फाइन, इलास्टिक फाइबर है। अन्य प्रकार की वूल की अपेक्षा मरीनो वूल में अधिक संख्या में क्रिम्प्स तथा स्केल्स होते हैं। इसका उपयोग उत्तम किस्म के वुलन क्लॉथ बनाने में होता है। इस रेशे की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। इसमें प्रति इंच लगभग 3000 सल्क्स होते हैं। द्वितीय श्रेणी की वूल। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा वेल्स आदि स्थानों से द्वितीय श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। यह वूल मरीनो वूल के समान तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी किस्म अच्छी होती है। ये फाइबर 2 से 8 इंच तक की लंबाई का होता है। इसमें बहुत अधिक सल्क होते हैं। रेशे मजबूत व चिकने प्रत्यास्था युक्त होते हैं। इनमें घुंघराले घुमाव भी होते हैं। थर्ड, तृतीय श्रेणी की वूल। इस प्रकार की वूल का उद्भव यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। यह रेशा मोटा, कड़ा व कम इलास्टिसिटी वाला होता है। इसकी लंबाई 4 से 18 इंच तक होती है। इसमें बहुत कम मात्रा में स्केल्स व क्रिम्प्स पाए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी की वूल। ये ऊन मिली जुली जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। इनके रेशे 1 से 16 इंच तक लंबे, चमकीले होते हैं। इससे दरियां, सस्ते गर्म कपड़े, गलीचे आदि बनाने में प्रयोग में ली जाती है। क्लासिफिकेशन बाय फ्लीस। फर्स्ट, लैम्स वूल। 6 से 8 महीने की लैम्प से पहली बार जो वूल प्राप्त होती है वो लैम्प वूल कहलाती है। सेकंड, हॉगेट वूल। इसमें 12 से 14 महीने की भेड़ जिससे पहले वूल कभी नहीं काटी हो वह इस श्रेणी में आती है। वेदर वूल। 14 महीने के बाद जिस भेड़ से कभी भी वूल नहीं काटी हो वह इस श्रेणी में आती है। इस वूल में धूल मिट्टी की अशुद्धियां होती हैं। फोर्थ, पुल्ड वूल। मृतक भेड़ों की खाल से रसायनों का उपयोग कर इस वूल को प्राप्त करते हैं। यह निम्न श्रेणी की वूल होती है। इस प्रकार की वूल से निम्न श्रेणी के कपड़े बनाए जाते हैं। फिफ्थ, डेड वूल। इस प्रकार की वूल मृतक भेड़ों से प्राप्त की जाती है। कोटी वूल। खराब मौसम में घूमने वाली भेड़ों से ये वूल प्राप्त होती है तथा इनसे निम्न किस्म की वूल बनाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक संरचना में वूल के मुख्य 3 भाग होते हैं। फर्स्ट, क्यूटिकल, सेकंड, कॉर्टेक्स, थर्ड, मेड्यूला। क्यूटिकल सबसे भारी परत होती है जिस पर छोटे छोटे पपड़ी के समान स्केल्स होते हैं। ये शल्क एक दूसरे पर ओवरलैप्ड रहते हैं। जितने अधिक शल्क्स होते हैं वूल उतनी ही उत्तम किस्म की होती है। उत्तम किस्म की वूल देखने में डल होती है जबकि निम्न श्रेणी की वूल चमकदार होती है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। फर्स्ट, लंबाई। सामान्यतः इसकी लंबाई 1 से 3 इंच तक होती है तथा वर्स्टेड वस्त्र के लिए कुछ विशेष रूप से बड़े रेशे जो 3 से 8 इंच तक लंबे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सेकंड, कलर। वूल मुख्य रूप से वाइट, नियर वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में होती है। थर्ड, फ्लेम रिएक्शन। ऊनी वस्त्र जल्दी जलते नहीं हैं लेकिन लौ पर से हटा दिए जाने पर स्वतः ही बुझ जाते हैं, जलने पर बालों के समान गंध देते हैं। फोर्थ, लश्चर। निम्न श्रेणी की वूल में चमक अधिक होती है जबकि उत्तम किस्म की वूल में चमक नहीं होती है। फिफ्थ, मॉइस्चर रिगेन। 13 से 16% तक इसकी अवशोषण क्षमता अधिक होती है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती कम हो जाती है व कपड़े सिकुड़ जाते हैं। सिक्स्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन। सूखी अवस्था में इसमें हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। सेवन्थ, स्ट्रेंथ। सूखी अवस्था में रेशा मजबूत होता है जबकि वेट कंडीशन में यह 0.69% मजबूती खो देता है। एट्थ, इलास्टिसिटी। अच्छी होती है, रेशा खींचने पर खिंचता चला जाता है तथा छोड़ने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इलोंगेशन एट ब्रेक। स्टैंडर्ड इलोंगेशन 25 से 35% तथा 25 से 50% वेट कंडीशन में रहता है। फील, छूने में यह सॉफ्ट स्पंजी होता है। 11th, रेजिलेंसी। क्रिम्प्स के कारण प्रत्यास्था अच्छी होती है। एब्रीवेशन रेजिस्टेंस गुड होती है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी खराब रहती है। इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, धूप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिससे कलर खराब हो जाते हैं व कपड़े कड़े हो जाते हैं। ये भाई। फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हल्के ब्लीच काम में लेने चाहिए। सिक्स्थ, इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लंबे समय तक गीली अवस्था में कपड़ों को बंद कर देने पर इस पर फफूंद लग जाती है। सेवन्थ, डाइंग एबिलिटी। इसे आसानी से डाई किया जा सकता है। एट्थ, इफेक्ट ऑफ कलर फास्टनेस। कॉटन की अपेक्षा वूल की कलर फास्टनेस अच्छी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ एसिड्स। गर्म सांद्र H2SO4 से रेशा विघटित हो जाता है जबकि ठंडे व तनु अम्ल का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ एल्कलीज। केराटिन प्रोटीन होने से वूल पर क्षार का हानिकारक प्रभाव रहता है, अतः इससे इजी वॉश करना चाहिए। थर्ड, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट। प्रोटीन फाइबर होने के कारण कीड़े जल्दी लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ वूल। शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। एक ही भेड़ के शरीर से 15 से 20 श्रेणियों की ऊन प्राप्त होती है। विभिन्न श्रेणी की ऊन टाइप, लंबाई, बारीकी, प्रत्यास्था तथा मजबूती के अनुसार अलग अलग छांटे जाते हैं। सेकंड, स्कॉरिंग। जो वूल सीधे ही भेड़ से प्राप्त होती है उसमें तेलीय पदार्थ व अशुद्धियां होती है, अतः इसे गर्म पानी तथा डिटर्जेंट के द्वारा धोकर इन अशुद्धियों को हटाकर वूल को सुखाते हैं। स्काउरिंग मशीन में गर्म पानी, साबुन तथा हल्के क्षार का उपयोग करते हैं। ड्राइंग। स्काउरिंग प्रक्रिया के बाद वूल को सुखा देने पर भी इसमें 12 से 16% तक नमी रहती है, अतः आगे की प्रक्रिया के लिए इसे अच्छी तरह सुखाया जाता है। फोर्थ, ऑयलिंग। इन सभी प्रक्रिया से गुजरने पर वूल फाइबर में रूखापन आ जाता है, इसीलिए इस रेशे पर जैतून के तेल का छिड़काव करते हैं। फिफ्थ, कार्डिंग। ऑयलिंग के बाद रेशों को दांतेदार रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है। कार्डिंग के बाद की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हमें वुलन यान बनाना है या वर्स्टेड यान। वुलन यान को बनाने के लिए प्रक्रिया कार्डिंग तक ही की जाती है और रेशों को रंग कर, स्पिनिंग कर वीविंग के लिए भेज दिया जाता है। वर्स्टेड यान बनाने के लिए निम्न प्रक्रिया को जोड़ा जाता है। फर्स्ट,
कार्डिंग। इसमें रेशे को दांतेदार रोलर्स के बीच से गुजारकर चिकना समानांतर किया जाता है, फिर यहाँ से रेशे को गिलिंग व कॉम्बिंग प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। सेकंड, गिलिंग एंड कॉम्बिंग। गिलिंग के द्वारा छोटे स्टेपल फाइबर्स तथा लंबे फाइबर्स को अलग कर फाइबर्स को सीधा करते हैं। कॉम्बिंग प्रक्रिया में इस प्रोसेस को पुनः दोहरा कर 1 से 4 इंच तक की लंबाई के रेशों को लंबे रेशों से अलग कर और अधिक समानांतर कर दिया जाता है। इस प्रकार रेशा पूरी तरह से शुद्ध व पर्याप्त लंबाई का प्राप्त होता है। ड्राइंग। यह एडवांस ऑपरेशन सिर्फ वर्स्टेड यान के लिए ही किया जाता है। इसमें डबल स्लाइवर को रीडबल कर स्लाइवर तैयार करते हैं तथा ट्विस्ट देकर उसकी सघन तथा पतला किया जाता है। फोर्थ, रोविंग। इसमें रेशे को हल्का ट्विस्ट देकर पतला करते हैं। फिफ्थ, स्पिनिंग। स्पिनिंग दो तरह की स्पिनिंग काम लेते हैं, रिंग स्पिनिंग तथा म्यूल स्पिनिंग। म्यूल स्पिनिंग यान रिंग स्पिनिंग यान से अधिक उच्च क्वालिटी का होता है। बिटवीन वुलन एंड वर्स्टेड यान। वुलन फाइबर की लंबाई 1 से 3 इंच होती है, जबकि वर्स्टेड फाइबर की लंबाई 3 इंच से ज़्यादा होती है। वुलन फाइबर का डायमीटर मीडियम तथा कोर्स होता है, जबकि वर्स्टेड फाइबर का डायमीटर फाइन होता है। वुलन फाइबर वॉस्ड स्कॉर्ड एंड कार्डेड होता है, जबकि वर्स्टेड फाइबर वॉस्ड स्कॉर्ड कार्डेड कॉम्ब्ड एंड ड्रॉन होता है। वुलन यान बल्कि अनइवन तथा मीडियम ट्विस्ट का होता है, जबकि वर्स्टेड यान फाइन स्मूथ इवन तथा हाईली ट्विस्टेड होता है। फैब्रिक अपीयरेंस में वुलन फाइबर सॉफ्ट फ्यूजी तथा हैवी वेट में होते हैं, जबकि वर्स्टेड फाइबर क्रिम्प स्मूथ तथा लाइट वेट में होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में वुलन फैब्रिक कम गर्म होते हैं तथा फैब्रिक में क्रीज अच्छी नहीं बनती है और वुलन फैब्रिक कम टिकाऊ होते हैं, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक अधिक गर्म होते हैं तथा वर्स्टेड कपड़े शेप में रहते हैं तथा वर्स्टेड फैब्रिक अधिक टिकाऊ होते हैं। यूजेस में वुलन फैब्रिक का उपयोग स्वेटर कारपेट ट्वीट्स आदि बनाने में होता है, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक का उपयोग सूट्स ड्रेसेस गारबेडिंग क्रिम्प्स आदि बनाने में। थैंक यू।